तो आज सुबह पानी पी के मैं बैठा ही था, तभी मेरी बहन मुझे पोहे बना के दे देती है। अगर आपको बिन बोले पोहे मिल जाए तो क्या चाहिए। फिर खाने के बाद कुछ मीठे खाने के लिए मैं अपने सोन पापड़ी के डिब्बे पे नजर डालता हूँ। इसकी हालत देखिए, लग नहीं रहा कि कल रात ये 10 बजे आया था। वो बात अलग है, मैं खाने वाला अकेला ही था। शाम को मेरे अंदर का रामू काका जाग जाता है और मुझे पन्नी में ये फटा हुआ दूध दिखाई देता है। घर का रामू काका तो मैं वैसे ही हूँ, बस तोलिया और डाल ली। इतना स्ट्रगल तो नन्या पांडे ने भी नहीं किया होगा जितना मुझे इस पन्नी के गठन खोलने में किया है। और फाइनली एक घंटा मेहनत करने के बाद मुझे फल भी मिल जाता है। फिर एक भगोने में अपनी तोलिया डाल के मैं उसमें पनीर का फटा हुआ दूध डालने लगता हूँ। अरे मतलब फटा हुआ दूध भगोने में डालने लगता हूँ। फिर इसे निचोड़ के फ्रिज में रख देते हैं। अगर ज्यादा उल्टा सीधा खाने की इच्छा हो तो इसे पी सकते हो। पर मैंने तो पिया नहीं, फिर भी मुझे भूख लगी आई तो मैं आपका और फेवरेट एक ही चीज बनाने लग जाता हूँ। मगर क्यों? तभी मेरी और मेरी बहन में लड़ाई होने लगती है। अगर मैंने इसका कारण बता दिया तो यही रोड हो के गंगा जमुना भर देगी। अगर ज्यादा इंटरेस्ट हो तो 1K लाइक कर दो, जल्दी बता दूंगा। ओके बाय।